नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पास करने के बाद जब युवती के घर वालों ने उसकी शादी का फैसला लिया तो इससे नाराज युवती महिला थाना पहुंच गई, जहां युवती ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। दरअसल कहलगांव की रहने वाली एक युवती अपनी शिकायत लेकर गुरुवार की शाम महिला थाना पहुंची और लड़की ने उसके घर वालों द्वारा गलत फैसला लेने की बात करते हुए कहा कि उसे अभी शादी नहीं करना है और पहले वो अपना करियर बनाना चाहती है। वह इसके बाद महिला थाना प्रभारी एसआई नीता कुमारी ने मामला बढ़ता देख युवती के घर वालों को कॉल कर महिला थाना बुलाया, जहां पुलिस के सामने भी युवती ने अपने पिता से हाथ जोड़कर अभी शादी नहीं कराने और पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देने की विनती की, लेकिन परिजन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं 13 मई को होने वाली शादी को लेकर परिजनों ने भी युवती को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना की एसआई नीता कुमारी ने सख्त रुख अपनाया और युवती के पिता से पीआर बांड भरवाकर उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन युवती की शादी नहीं कराने की हिदायत देकर लड़की को उसके परिजनों के साथ भेज दिया। इधर लड़की का कहना है कि उसने काफ़ी सोच समझकर महिला थाना आने का फैसला लिया और पुलिस से अपनी शादी रुकवाने की गुहार लगाई है, जिससे वो आगे की पढ़ाई कर अपना करियर बना सके। वहीं बेटी और पुलिस के दबाव से आहत पिता ने कहा कि बेटी की शादी तय होने के बाद कार्ड वितरण और उसका लगन भी हो चुका है, जबकि 13 मई को होने वाले शादी में शामिल होने के लिए गेस्ट भी घर पहुंच चुके हैं। साथ ही कहा कि अब ऐसी स्थिति में शादी रुकवाने से उनके पूरे परिवार की बेइज्जती होगी और बाद में उनकी बेटी की शादी में भी दिक्कत आएगी। हालांकि महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी ने कहा कि इस मसले पर युवती और उसके पिता को काफ़ी समझा बुझा कर घर भेज दिया गया। सर, हम पढ़ना चाहते हैं, मेरा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होने वाला था। पिछले साल पापा 1 लाख रुपया लेके आए थे, लेकिन क्या बात हुआ पता नहीं, शादी मेरा मतलब फिक्स कर दिए, उसके बाद शादी करवा रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं क्या मेरा प्राइवेट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा दीजिए, तो बोल रहे हैं क्या नहीं, इतना 7-8 लाख रुपया दे के तुम्हारा शादी करवा रहे हैं, इसी में तुम खुश रहो। हम बोले क्या कि नहीं, हमको शादी नहीं करना है, तो इसी में मेरे साथ मारपीट करते हैं, घर में मारते हैं बहुत, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे। 15 मई को होने वाला है। क्या हुआ उसका? वो शादी 15 तारीख को निर्धारित है, सो समय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब शादी नहीं होगी। काहे? ये इसकी इच्छा है। क्या कह रही है? इनका कहना है क्या कि हम 4 साल शादी नहीं करेंगे। काहे? कहता है कि हम पढ़ेंगे। पढ़ाइएगा आप? हम देखिए, हम छोटे ओहदे वाले हैं, हम 4 बच्चे के पिताजी हैं और उसी में से चारों को पढ़ाना है। यदि हम इसको पढ़ाने में सक्षम होंगे तो यदि एक परीक्षा क्वालिफाई करती है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो हम प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकेंगे, हम गरीब आदमी हैं। लड़की इसमें था कि लड़की शादी नहीं करना चाह रही थी, उसके माँ पिताजी शादी करना चाह रहे थे, तो वही लड़की आई बोली कि मैडम हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, मेरे पिताजी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनके पिताजी माँ पिताजी को बुलाए, उसके बाद समझा बुझा के माँ पिताजी को हैंड ओवर कर दिए, लड़की चली गई। भागलपुर के शाकुन प्रखंड अंतर्गत सजौर थाना क्षेत्र भुलनी गांव में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर खेत पटवन के लिए वो घर के पास ही गया था, जहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान भुलनी गांव निवासी जयराम पासवान के 30 वर्षीय पुत्र दिनेश पासवान के रूप में हुई है और वह परिवार का एकमात्र सहारा था, जो टोटो ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था। बताया जा रहा है कि मृतक को 3 पुत्री और 1 पुत्र है, जबकि उसकी पत्नी नंदिनी देवी अभी गर्भवती है। पीड़ित पत्नी ने बताया कि जयराम पासवान दोपहर में खाना खा कर गया और थोड़ी ही देर में उनके मौत की सूचना मिली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सजौर थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। खेत पटौनी के दरमियान मतलब घटना हुआ था ना, तो कितना का वोल्टेज के मतलब 440 में आते के 11 किस में गया? हमरा बाबू की जान के लिए अब 440। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बीसीए स्नातकोत्तर और स्नातक पार्ट थर्ड के परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शुक्रवार को
को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में पहले भी इस तरह की लापरवाही सामने आती रही है और पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी गई है। कुणाल पांडे ने कहा कि पूर्व में भी कई बार छात्रों के साथ ऐसा हो चुका है, जबकि बीसीए सेमेस्टर 6 के फॉर्म भरने की तिथि भी समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो छात्र सेमेस्टर 1, 2 और 3 में प्रमोट थे उनकी परीक्षा कई महीने पहले ले ली गई है, लेकिन अभी तक उनका परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण ऐसे सभी छात्र छात्रा सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। साथ ही कभी पास कर देने और कभी फेल कर देने का आरोप लगाते हुए परिषद के छात्र नेता ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की इस तरह की लापरवाही से छात्रों की मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर छात्र छात्राओं के हित में फैसला लेकर गड़बड़िया में सुधार नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। साथ ही विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और कर्मियों की कार्यशैली पर भी परिषद कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। हम लोग आज 2-3 मामला को लेकर आए हैं। पहला मामला है बीसीए का, सेमेस्टर 2 का और 3 का एग्जाम हो चुका है लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया, जो कि वो लोग सेमेस्टर 6 के छात्र हैं, वो किसी कारणवश 2nd और 3rd में फेल हो गए थे या प्रमोट हो गए थे। उनका अगर रिजल्ट आ जाएगा तो सेमेस्टर 6 का फॉर्म निकला है वो फॉर्म भर सकेंगे। दूसरा मामला है अपना पीजी सेमेस्टर 2 का, जो बार बार आप लोग को भी पता है कि इस विश्वविद्यालय में 0.2 से लेके 5 नंबर तक जो है बच्चा को फेल कर दिया जा रहा। तो एक दूसरा मामला, तीसरा मामला है कल आर्ट्स का रिजल्ट आया है, उसमें बेहद पैमाने पर गड़बड़ी है। अगर आप मेरे हाथ में एक रिजल्ट है इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें एक छात्र को 4 घंटा पहले पास किया गया, 4 घंटा बाद फेल कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय की दिवालियापन को दर्शाता है। भागलपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से एक नई शुरुआत होने वाली है, इसकी मदद से ऑनलाइन चालान भरने की सुविधा मिल सकेगी। एक ओर जहां ये तकनीकी रूप से बेहतर कदम माना जा रहा है, वहीं अब कैश नहीं होने के बहाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों का बचना भी मुश्किल होगा। दरअसल इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से चालान वसूले जाने की तैयारी कर ली गई है। अब तक चौक चौराहों पर रसीद काटने के लिए 4 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध था, जबकि मैनुअल तरीके से भी रसीद काटने की व्यवस्था है, लेकिन पुलिस मुख्यालय द्वारा भागलपुर शहर में 18 हैंडहेल्ड मशीन उपलब्ध कराया गया है, जो अलग अलग थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और शहर में वितरित किया जाएगा। इस नए डिवाइस में UPI समेत पेमेंट प्राप्त करने का कई माध्यम दिए गए हैं, जबकि पहले सिर्फ कार्ड और कैश से ही जुर्माना भरा जा सकता था। वहीं इसको लेकर ट्रैफिक DSP प्रकाश कुमार ने बताया कि UPI का नया माध्यम जुड़ने से चालान काटने में अब काफ़ी सहूलियत होगी और इस मशीन में पेंडिंग चालान काटने की भी व्यवस्था दी गई है, जो काफ़ी सुविधाजनक होगा। पूर्व से 4 हैंडहेल्ड डिवाइस रसीद काटने के लिए उपलब्ध था, साथ ही साथ मैनुअल सिस्टम से भी ज़्यादातर रसीद काटा जाता था। वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है पुलिस मुख्यालय है उसके द्वारा 18 अतिरिक्त मशीन उपलब्ध कराया गया है और 4 मशीन को बाद में वापस लिया जाएगा। अभी 18 जो हैंडहेल्ड डिवाइस है उसको हम लोग अलग अलग थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और शहर में वितरित करेंगे और उसके अनुसार चालान किया जाएगा। इसमें चालान करने में इसमें सुविधा ये है कि इसमें कई मोड पेमेंट प्राप्त करने कई मोड दिया गया है, जैसे शुरू में कार्ड था, कैश था, लेकिन वर्तमान में UPI भी दिया गया है। UPI का सुविधा देने से काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें पेंडिंग काटने का भी अधिकार है। यदि कोई गाड़ी को हम कहीं चालान करना चाहते हैं और उसका मालिक उपलब्ध नहीं है तो गाड़ी का फ़ोटो लेकर या वीडियो बनाकर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, साथ ही साथ चालान वहीं काट देंगे और वो पेंडिंग रहेगा।
विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा, स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर भागलपुर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में सभी नर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कहा कि कोई भी किसी बीमारी से ग्रसित होता है तो अस्पताल में सबसे करीब और सेवा करने वाली नर्स होती है, लेकिन सम्मान अक्सर डॉक्टरों का होता है। लोगों ने कहा कि निरंतर हमारी देखरेख करने वाली नर्स को उचित सम्मान नहीं मिल पाता है और इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच द्वारा उन सभी नर्स का सम्मान किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में मिठाई का डब्बा और फूल का पौधा देकर सभी नर्स का सम्मान किया गया। दरअसल 12 मई को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म दिवस होता है, इसलिए आज के दिन को नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौके पर संस्था के अध्यक्ष अनिल कड़ेल, जॉनी संथालिया, अभिषेक सफर, सचिव विनीत बुधिया समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर की सड़कों या चौक चौराहों पर अक्सर किसी न किसी बात को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा या विवाद देखने को मिलता रहता है। ताज़ा मामला भागलपुर समाहरणालय चौक के समीप का है, जहां एक पति पत्नी के जोड़े की आपस में नोकझोंक हो गई, जिसमें दोनों एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाते दिखे। वहीं पति पत्नी के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर यातायात पुलिस के साथ काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। इस दौरान महिला ने 112 नंबर पर डायल कर उसके पति द्वारा उसे बीच सड़क पर बेइज्जत करने और दुर्व्यवहार करने की बात कही, जिसके बाद डायल 112 की टीम वहां पहुंची और उन दोनों को तिलकामांझी थाने लेकर गई, जहां पुलिस ने दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी विवाद सुलझा नहीं और दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के झगड़े को लेकर पिछले 6 महीने से कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने अगले 6 महीने के बीच लड़की को किसी तरह की कोई परेशानी होने पर इसका सीधा जिम्मेदार सिर्फ उसके पति के होने की बात कही है। दरअसल यह पूरा मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है, जिसमें पति जितेंद्र कुमार शाह का कहना है कि वह एयरफोर्स में कार्यरत है और उसकी पोस्टिंग अंडमान में है, जबकि 22 जून 2022 को उसकी शादी बबरगंज निवासी विनोद शाह की पुत्री नीतू कुमारी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से उन दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है और उसकी पत्नी बदसुलूकी के साथ केवल अपने मायके वालों का ही बखान करती है, जबकि घर का कोई काम नहीं करती है। साथ ही कहा कि उसके ससुर विनोद शाह विवाह भवन बनाने के लिए उससे 50 लाख रुपये मांगते हैं और पैसे देने पर ही नीतू को उसके साथ भेजने की बात करते हैं। वहीं महिला नीतू कुमारी का कहना है कि वो 5 महीने की गर्भवती है, फिर भी उसके पति उसे प्रताड़ित करते रहते हैं, जबकि इससे पहले पति और सास ससुर ने उसकी हत्या करने की भी कोशिश की थी। साथ ही महिला ने अपने देवर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका देवर एक डॉक्टर है और वह गलत दवा देकर उसकी हत्या करना चाहता है। महिला ने अपने देवर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। इधर बर्तन व्यवसायी विनोद शाह का कहना है कि लाखों रुपये खर्च कर अपनी बेटी की शादी कराई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी किसी दरिंदगी का शिकार हो जाएगी। साथ ही कहा कि किसी भी तरह नीतू का घर बस जाए, उसकी बस यही इच्छा है। हम अभी घर जाने के लिए ही यहाँ खड़े हैं और अभी से नहीं खड़े हैं। हम जज के पास भी बोले हैं ये बात और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था, हम मरने की कंडीशन में थे तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए, और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं, वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती, और जबरदस्ती हमको बोल रहे हैं कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। केस हटाओ तब तुमको जिंदा छोड़ेंगे, ना तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मारेंगे। मेरी सास ये हमको ये इसका भाई, इसकी माँ, इसके पापा सब मिलके हमको अंडमान में जान से मारने का कोशिश किया, इसका भाई शंकर रेप करने का कोशिश किया मेरे साथ, फिर भी हम चुप रहे, गलत दवाई दिया ताकि हम मर जाए, लेकिन
हम तब भी बच्चे रहे, मेरे मम्मी पापा आए, हमको घर लेके आए, उसके बाद हम कंप्लेन किए हैं। पीट नहीं हुआ है सर, यहाँ बोल रहा है मोबाइल छिने मारे हैं, कुछ नहीं कैसा। हमको सर यही निवेदन है कि मेरी बीवी में माता पिता इनके हस्तक्षेप ना करें। इन अभी इनके घर गए, इन लोग ने सबको मारा पीटा, इनके घर में कैमरा लगा, हम चाहते हैं कैमरा लगे। मेरा बैग रख लिया, अभी ये बोला मेरा बैग नहीं आपके सामने बोला, अब बोल रहा है ट्रॉली बैग आपके सामने बोला। सर हम यही चाहते हैं मेरा बीवी खुशीपूर्वक मेरे सोचा ले। इन लोग झूठा केस लगा दिए, कोर्ट में भी बोला कि बीवी साथ रहने दीजिए, कंप्रोमाइज डालिए। इनके पिताजी बोलते हैं हम कंप्रोमाइज नहीं डालेंगे, केस भी चलेगा, आप साथ रहिए सर। हम कुछ नहीं मारे हैं सर, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर मारे हैं सर तो कहीं चोट रहेगा, निशान रहेगा। हम बोल रहे हैं आप हमको मारे, चोट लगेगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा सर? अब हम ऐसा यही बोलते मारे थे, इसका हम क्या प्रूफ दें सर बताइए? यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ पे भी आप यहाँ कैमरा भी निकलवा दीजिए। हम कुछ नहीं किए सर। हाँ हमको शादी का एक साल हो गया है सर, भागलपुर से हुआ है, माता पिता के रजामंदी से हुआ है सर। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा सर, अपने जहाँ हम पोस्टेड हैं वहाँ लेके गए सर, पोर्ट प्लेयर अनुमान निकोबार सर। हम रहने वाले हैं परवलपुर नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। हम ससुराल में 4 दिन से हैं, हम एयरफोर्स में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।